बिलासपुर में अधिक बारिश और तेज हवाओं के चलते मक्के की फसल बर्बाद हो गई है, तो वहीं धूप कम खिलने से भी फसल को काफी नुकसान पहुंचा है। ऐसे में किसानों के माथे पर चिंता की लकीर आ गई है। किसानों का कहना है कि जिला बिलासपुर में मक्के की फसल बहुत अधिक होती है, लेकिन मौसम की बेरुखी के चलते इस बार किसानों के अरमानों पर पानी फिर गया है। किसान वर्ग ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि बिलासपुर में प्राकृतिक आपदा और मौसम की बेरुखी के चलते मक्के की फसल को पहुंचे नुकसान का सर्वेक्षण कराकर किसानों को किसी न किसी रूप में सहायता प्रदान की जाए, ताकि भविष्य में किसान वर्ग कृषि कार्यों से विमुख नहीं हो सके। जिला बिलासपुर में मक्के की फसल को बहुत नुकसान पहुंचा है। भारी बारिश से जहां कुछ स्लिप गिरे हैं और पानी खड़ा होने से फसल जो है उसे कुछ बीमारियां भी लगी हैं, हवा से भी फसल खराब हुई है। यानी कुल मिलाकर किसानों को भारी नुकसान हुआ है। सरकार और प्रशासन से अनुरोध है कि वो किसानों की किसी न किसी रूप में मदद करें। इस साल मक्के की फसल जिला बिलासपुर में बुरी तरह से तबाह हुई है। इसका कारण है भारी बारिश और तेज हवाओं का चलना। तेज बारिश होने से नमी इतनी ज़्यादा रही कि फसल जो थी उसके जो मक्की के बुट्टे थे वो भी मतलब अंदर ही खराब हो गए, और तेज़ हवाओं से मक्की गिर गई, जो नीचे ज़मीन पर पड़ी तो सड़ गई वहीं पर, और जंगली जानवरों ने भी भारी नुकसान किया है। इस प्रकार से जिला बिलासपुर में मक्की की फसल का इतना ज़्यादा नुकसान हुआ है कि किसानों को बहुत मुश्किल हो रहा है, और किसान ये सोचने में मजबूर हो रहे हैं कि अगर इसी प्रकार हमारा नुकसान होता रहा तो हमें ये फसल बीजनी छोड़ पड़ सकती है और कहीं कुछ और इसके बारे में सोचना पड़ेगा। तो मेरा सरकार से अनुरोध है कि किसानों इसका एक जितना भी नुकसान हुआ है किसानों का, इसका सर्वेक्षण कराया जाए और किसानों को जो है राहत दी जाए, नहीं तो किसान मजबूर होकर के जो है वो इस फसल को बीजना छोड़ सकते हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए बिलासपुर से मुकेश गौतम की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज हिमाचल.केसरी।